हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस। तो आए हमारे सामने है मारुति सुजुकी की फ्रोनक्स। तो भाई ये गाड़ी वो गाड़ी जो लॉन्च की है मारुति ने अपना ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर। तो अपने सामने है इसका फ्रंट लुक। तो फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरीके से अपने को दिखती है। तो बात कर लेते गाड़ी के फ्रंट में, तो फ्रंट में देख लीजिए भाई गाड़ी का ओवरऑल लुक्स। तो सामने की तरफ आपको ग्रिल इंट्रोड्यूस की गई है। जो ग्रिल है वो पूरी की पूरी अपना ग्लोसी फिनिश के साथ आती है, ब्लैक ग्लोसी फिनिश में। साथ ही साथ सिल्वर क्रोम का काम किया गया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपना लोगो जो है सुजुकी का वो सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ आता है। साथ ही साथ पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी अपना एलईडी सेगमेंट के साथ में आते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं उसके फ्रंट लाइट्स जो हैं वो पूरी की पूरी मिलती हैं प्रोजेक्टर हाई लैंप के साथ में। तो प्रोजेक्टर हाई लैंप्स के साथ में आपको नीचे की तरफ मिल रही हैं इसकी हेडलाइट्स। साथ ही साथ नीचे के बम्पर पे बात कर लेते हैं। बम्पर जो है वो भाई ड्यूल टोल कलर के अंदर देने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आपको सिल्वर ग्रे फिनिश मिल जाती है। प्रति जाति यहाँ पे आपको नीचे मैट फिनिश का काम मिल जाता है। तो ये उसका ओवरऑल फ्रंट्स का लुक। सामने की तरफ लोगो है सुजुकी का, जस्ट उसी लोगो के नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर अपना फ्रंट पार्किंग कैमरा। तो भाई ये है इसका ओवरऑल लुक्स। तो सामने से गाड़ी कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होती है। तो देख लो भाई किस तरीके का लुक गाड़ी सामने से प्रोवाइड कर रही है। तो भाई बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ इस तरीके से अपने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना भाई थोड़ा शो चल रहा है, लाइट शो चल रहा है, इस वजह से क्या है कि यहाँ पे अपने को कुछ दिख नहीं रहा। तो भाई मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आने पे देख लो इस तरीके का अपने को डैशबोर्ड प्रोवाइड होता है। स्टेयरिंग व्हील देख लो, स्टेयरिंग व्हील अपने को मिलता है काफी अच्छा, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल मिल जाए। टिलेंटेट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बात कर लेता हूँ गाड़ी में। तो गाड़ी में कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको अपने यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ मोड्स मिल जाते हैं जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के मोड हैं। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अपना ग्लोसी ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आ रहा है, जिसमें कि टच है जो पूरा का पूरा टच स्क्रीन के साथ मिलता है। 1000 लैंप्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जो कि फ्रंट का जो डैशबोर्ड है वो भी ड्यूल टोन कलर में मिल रहा है, जिसमें कि ग्लॉसी सिल्वर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट में देखे जाए तो अपने जो एसी वेंट्स हैं वो भी अपने को मिल जाते हैं मैट फिनिश के साथ में, जो कि आते हैं अपना सिल्वर मैट फिनिश में। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो कि पूरा का पूरा डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके से अपने को प्रोवाइड हो जाता है। और ये साथ में बात कर लेते हैं गाड़ी के जो अपना डोर हैंडल है वहाँ पे भी आपको एक लेदरेट फिनिश के देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे फ्रंट में कोई भी लेदरेट फिनिश नहीं है, हार्ड टॉप प्लास्टिक का यूज किया गया है। और साइड में देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डोर हैंडल जो है वो ड्यूल टोन कलर में अपने को देने की कोशिश की गई है, जिसमें कि अपना कॉफी कलर और जो कि लेदरेट है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपना ब्लैक पियानो फिनिश के साथ दिया गया। वन टच अप डाउन है टोटली, जो विंडोज जो है सारी वन टच अप डाउन है और चारों के चारों पावर विंडोज इसमें मिल जा रही है अपने को। और सबसे बड़ी बात है IRVM जो है वो भी अपना ऑटो इलेक्ट्रिक मिल रहा है, सबसे अच्छी चीज है। तो भाई ये एक तरीके से कह सकते हैं बलिनो से है ना एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, और बलिनो को मतलब कह सकते हैं कि बलिनो से अच्छी गाड़ी है। और इसमें बात कर लेते हैं ये टोटल जो गाड़ी है अपने का जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये गाड़ी है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक्स के अंदर ही गाड़ी आती है। नीचे आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, प्लस में 12 वोल्ट का जो 12 वोल्ट का जो है अपना USB पोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ AC के कंट्रोल्स यहाँ से अपना मिल जाते हैं। नीचे की तरफ हेडरेस्ट मिल जाता है यहाँ पर आपको, साथ में हेडरेस्ट भी काफी अच्छा दिया गया, छोटा सा दिया गया, ज्यादा बड़ा देने की कोशिश नहीं की गई है। अपोस्ट ट्रॉफी जो है वो पूरी की पूरी जो मिलती है अपने को फैब्रिक के अंदर मिल जाती है, लेदर नहीं है, लेदर फिनिश नहीं मिलती। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाती हैं जो कि LED में नहीं मिलती हैं, ये भी हैलोजन है। और बात कर रहे थे वैनिटी की, तो वैनिटी में भी आपको यहाँ पे अपना वैनिटी में एक लाइट मिल जाती है, मिरर मिल जाता है। और ड्राइवर साइड पे वैनिटी मिल जाती है, उसमें भी आपको लाइट मिल जाती है और मिरर मिल जाता है भाई। तो यहाँ पे आपका स्पीकर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है फोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए। तो ये है इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक। और बात कर लेते हैं गाड़ी में, यहाँ पे आपको स्टोरेज के नाम पर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। स्टोरेज ग्लव बॉक्स मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको एक 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है। तो ये है भाई इसका फ्रंट का ओवरऑल लुक। बात कर लेते हैं बैक साइड प्रोफाइल पे, तो बैक साइड में 3 बंदे आराम से इजिली बैठ के सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे AC वेंट्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ AC वेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ से अपना AC वेंट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं विंड्स को। तो भाई काफी अच्छा है ओवरऑल लुक्स, तो काफी प्यारा दिया गया है। बलिनो से तो काफी अच्छी गाड़ी है, ये बलिनो से एक सेगमेंट ऊपर है। और देखा जाए तो ओवरऑल तो गाड़ी बहुत ही प्यारी है, लुक प्रोवाइड कर रही है। तो ये इसका ओवरऑल इंटीरियर, तो इंटीरियर से गाड़ी काफी है ना डार्क इंटीरियर दिया गया है, अच्छा लग। तो भाई ये है इसका डोर पैनल से इस तरह का लुक आता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के रूफ पे, रूफ पे आपको रूफ रेल्स मिल जा रही हैं।
जो कि गाड़ी की हाइट को ज़्यादा इन्हेंस कर दे रही हैं। टर्न इंडिकेटर्स मिल जा रहे हैं ORVM मिरर पे ऊपर, तो ये इसका ओवरऑल लुक। तो थर्ड साउंड जो है गाड़ी की, थर्ड साउंड काफ़ी अच्छी है। तो भाई अच्छा काम कर रही है मारुति अपने आने वाले सेगमेंट में, अच्छा काम कर रही है। बात कर लेते गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो बैक लाइट में देख रहे हो पूरा का पूरा ह्यूज साइज LED की बैक लाइट प्रोवाइड की गई है आपको, जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ LED में मिल जाते हैं। फ्रोनेक्स की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लाइट मिल जाती है, डिफोगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको रैन वाइपर्स मिल जाते हैं, और नीचे बम्पर पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जा रहे हैं, और नीचे की तरफ बम्पर भी आपको ड्यूल टोल कलर में देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो भाई ओवरऑल गाड़ी जो है बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर रही है देखने में, तो गाड़ी अच्छी लग रही है, और वैसे भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसका जो कलर है वो है भाई डार्क नाइट ब्लू कलर है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। तो भाई ये इसका बूट स्पेस है फ्रोनेक्स का, तो बूट स्पेस के मामले में तो काफ़ी है यार, काफ़ी अच्छा स्पेस है, जितना अपने को बलिनो में मिलता है ना उतना ही स्पेस है। नॉर्मली ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, पर बलिनो वाला स्पेस अपने को मिल जाता है। तो देख लो इसमें आराम से इजिली 2 बंदों का सामान आराम से रख सकते हैं, पर लेकिन अगर ये जो ट्रे है इसको ट्रे को अगर ऊपर करेंगे तो ही थोड़ा सामान आ सकता है, वैसे तो कोई ज़्यादा सामान आने की उम्मीद है नहीं भाई यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, और पीछे से जो बूट स्पेस भी काफ़ी दिया गया है भाई। तो ये है इसका ओवरऑल बैक साइड का प्रोफाइल। बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल में, तो बैक प्रोफाइल में पीछों के लिए थोड़ा सा हेडरेस्ट दिया गया है, हेडरेस्ट है भाई ये तो है, ठीक है भाई ये ओवरऑल पीछे का लुक है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है दिया गया, पर बलिनो से काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। तो भाई फ्रंट से इस तरीके का लुक आ रहा है, देख लो इसका क्या लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है भाई फ्रंट से, और गाड़ी एक सेगमेंट ऊपर है, अप सेगमेंट है भाई। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।